ओके दे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। दिस इज ये संकल्प कांस्टी एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस 20 मिनट वन कॉन्सेप्ट ऑफ एसपीओएम एसपी एससीपीएम। सो ऑन पब्लिक डिमांड, देखो द मोमेंट यू स्टार्ट कमेंटिंग आई रीड द कमेंट्स एंड 7S मैकेंजी वाज वन ऑफ द डिमांडेड कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू ऑल वांटेड। तो आई वाज लाइक चलो भाई बना लेते हैं इसके ऊपर भी वीडियो। सो हियर वी आर। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट कोई भी मेरा नया वीडियो आ रहा है यू गेट द नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो सो दैट सच कनेक्टेड वीडियोस का तुम लोग को आते रहे आइडिया एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, शेयर इट विद अ फ्रेंड हु वुड वांट टू स्टडी दिस एंड जिसका एग्जाम बाकी है एसीपीएम का, बिकॉज इसमें से भी काफी रेगुलरली एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर 7S मैकेंजी। चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट है ये, इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। एंड इफ यू हैव द ऑप्टिमाइज देन इन दैट केस पेज 8.6 पे आ जाओ एंड वी विल स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट। सो मैकेंजी एक कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है ना। बहुत बड़े IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM द बैंगलोर, कैलकटा के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना, जो टॉप जिसको मार्क्स आए होते हैं या हुआ वेरी इंटेलिजेंट, उनको ये मैकेंजी BCG जैसी कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिलती है। ऑफ लेट ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन स्पेशली इन द रेंज ऑफ 1 to 10 आर ऑल्सो गेटिंग एन एंट्री एंड विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ गिविंग कंसल्टेंसी। जब आपको कंसल्टेंसी देनी होती है ना, मैकेंजीज, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप और भी ऐसे बेन एंड कंपनी, सो ऐसे बहुत सारी और कंपनीज है हु रिक्रूट पीपल हु हैव अ फुल आइडिया ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी कॉस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द ओनली सब्जेक्ट इन CA करिकुलम जो आपको ये स्ट्रेटजी रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड आइडिया देता है किसी भी सब्जेक्ट का। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज द सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स ऑफ ICAI डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज बिकॉज दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उनको पता ही नहीं है कि जॉब में क्या चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने इस सब्जेक्ट को फिलहाल साइड लाइन पे रखा है। अगर कोई सेंसिबल सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स का टीम बना जो समझते हैं कंसल्टिंग क्या होता है, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। एनीवेज मूविंग ऑन, सो क्या है एग्जैक्टली ये 7S, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। थ्री प्लेयर्स और थ्री यू कैन से एम्प्लॉयज फ्रॉम मैकेंजीज क्रिएटेड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ 7S एंड लेट्स अंडरस्टैंड। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग ने हैव यू सीन अ कार रन? अगर आप लोग ने एक गाड़ी को देखा होगा ना, दैट कार इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स। अगर स्टीयरिंग व्हील में कुछ गड़बड़ हो गया, गियर, ब्रेक, इंजन, व्हील्स, सो मेनी थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट। अगर आपको कार चालू करना है ना, तो क्लच पैड, फिर बाद में इंजन, टायर्स, एवरीथिंग हैज टू कोऑर्डिनेट टुगेदर, तब जाके ये कार आगे बढ़ेगा, अदरवाइज कार आगे नहीं बढ़ सकता, बराबर है। इन द सेम वे ह्यूमन बॉडी, व्हेन आई एम टेकिंग दिस लेक्चर, योर आईज, ईयर्स, माइंड, ब्रेन, हैंड्स, व्हेन यू आर राइटिंग, ऑल ऑफ देम हैव टू कोऑर्डिनेट, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी एंड यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट इन द एग्जामिनेशन। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? एग्जैक्टली वही 7S मैकेंजीज में हमारे तीन फ्रेंड्स ने बोला और उन्होंने बोला कि बॉस, इफ दीज 7 थिंग्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड इन अ बिजनेस, देन इन दैट केस द बिजनेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। कितने सारे बिजनेसेस है जो साथ में स्टार्ट होते हैं, फ्यू ऑफ देम रीच द टॉप एंड फ्यू ऑफ देम आर एट द बॉटम और you know are into huge losses, you know why? Because यहाँ पे जो टॉप पे पहुंचा है ना, उनके ये 7 systems together they are working. As I told you, say for example human body है, इसमें से एक भी part आपका बंद हो गया ना, then in that case all other parts will be affected and your understanding, your learning will be affected to a large extent. Same way अगर car का मैं बोलता हूँ, अगर मेरा car में एक brake बंद हो गया, बाकी सब सही चल रहा है एकदम, you know car is फर्स्ट क्लास, ओनली वन थिंग इज नॉट वर्किंग एंड दैट इज द ब्रेक। क्लच इज वर्किंग, स्टीयरिंग, व्हील्स, इंजन, ऑल इज फर्स्ट क्लास, एक खाली मेरा ब्रेक बराबर नहीं है, क्या आप कार चला पाओगे? द आंसर इज नो।
मैं आपको बोलता हूं कि ह्यूमन बॉडी, एक आईज आपका नहीं चल रहा है, क्या योर लाइफ विल फंक्शन द वे इट इज फंक्शनिंग नाउ? द आंसर इज नो. इन द सेम वे बिजनेस के लिए भी ये सात चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ह्यूमन बॉडी के लिए एवरी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, और एक कार के लिए एवरी पार्ट थ्रू विच द कार फंक्शंस. एंड दैट इज व्हाट द 7S मैकेंजीज इज ट्राइंग टू टेल. सो 7S मैकेंजीज के कोर में है सुपर वैल्यूज, एंड देन फिर बाद में देर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स हियर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजी, सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड स्किल्स, स्टाइल एंड स्टाफ. ये मिला के बनता है मेरा 7S मैकेंजीज. तो ये एक एक क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा. एंड वेयर इज इट यूज्ड? ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन अ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट दे आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट अ न्यू चेंज, अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, दे आर प्लानिंग टू अक्वायर अ न्यू कंपनी. ऐसे बहुत सारे जो सिचुएशंस है वहां पे 7S मैकेंजीज कैन बी यूज्ड वेरी वेरी वाइडली एंड इज यूज्ड. अब एक एक को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा. आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर्ड कोर वैल्यूज. बट वो मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले ICAI बोलता है, या आई शुड से 7S मैकेंजीज जिसने डेवलप किया, दे हैव डिवाइडेड दिस 7 इंटू 2 पार्ट्स जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है. तो इसके लिए मेरे को वो डिवीजन देना बहुत जरूरी है. वन इज कॉल्ड एज द हार्ड एस, जिसमें 3 कॉम्पोनेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है. एंड द अदर इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट एस, जिसके अंदर बचे हुए 4 एलिमेंट्स है. ठीक है, सो क्या है ये 3 एलिमेंट्स हार्ड एस के? वन इज योर स्ट्रक्चर, वन इज योर सिस्टम. सर क्या होता है ये? ऑल ऑफ दिस आई विल एक्सप्लेन, नॉट टू वरी. एंड द अदर, द थर्ड वन इज योर सिस्टम. सो स्ट्रक्चर, सिस्टम, सॉरी, एंड इज थर्ड वन इज योर स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो क्यों मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को अलग से? बिकॉज क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द हार्ड एस. तो स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्ट्रैटेजी और फिर एस कुछ और ही डाल देंगे, स्किल्स, विच इज अ सॉफ्ट एस. सो ध्यान में रखना है अपने को, वो MCQ आ सकता है. दूसरा और एक MCQ जो आ सकता है वो है ऑल ऑफ दिस हार्ड एस, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी आर क्वांटिफाइबल एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एंड इजी टू चेंज. ठीक है, ये सब मैनेजमेंट रिलेटेड है एंड मेन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि इज हार्ड एस इजी टू चेंज. द आंसर इज येस. बट एज फार एज सॉफ्ट एस आर कंसर्न्ड, इसके अंदर आता है मेरा स्किल्स, इसके अंदर आता है मेरा स्टाफ, इसके अंदर आता है मेरा शेयर्ड वैल्यूज एंड इसके अंदर आता है मेरा स्टाइल. तो व्हाट आर दीज 4 थिंग्स? दिस आल्सो विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी शॉर्टली. बट दीज आर डिफिकल्ट टू चेंज. तो ये जो मेरे सॉफ्ट एस है ध्यान में रखना, दे आर डिफिकल्ट टू चेंज. अब एक एक को अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे एंड वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी कॉल्ड एज मैकडोनाल्ड. यस, मैकडोनाल्ड में है कुछ बात, वो जो बर्गर है ना, तुम लोग ने बर्गर खाया कभी? सो वो जो कंपनी है, दैट वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपनी एंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी, लेट मी टेल यू, इज ऑल्सो फॉलोइंग मैकेंजीज 7S. जी हाँ, तो मैकडोनाल्ड्स का स्ट्रैटेजी क्या है? मैकडोनाल्ड्स का स्ट्रैटेजी है कॉस्ट लीडरशिप. तो इट, वॉट इज अ कॉस्ट लीडर? Cost leader will try to give you the best quality of products and services at the least cost possible. तो अब ये strategy हम लोग ने decide कर लिया. Suppose मैं McDonald's का CEO owner हूँ और मैंने strategy decide कर लिया that we are going to use cost leadership. So everybody in my organization is connected to this and will use cost leadership as a strategy. तो हम लोग कोई भी product, कोई भी raw material खरीदने जाऊंगा. Say for example मैं burger खरीदने गया McDonald's का, I'm the purchase manager for the burger division. तो मैं बर्गर खरीदने को जाऊंगा तो आई विल एंश्योर दैट स्ट्रेटेजी को मैं दिमाग में रखूं. तो क्या हुआ, देखा तुम लोगों ने, स्ट्रेटेजी बनाया एंड दिस स्ट्रेटेजी गाइस इज कनेक्टेड टू द स्टाफ. एवरीथिंग इज इंडिविजुअली कनेक्टेड टू ईच अदर. मैंने बोला ना, आईज, ब्रेन, ईयर्स, नोज, माउथ, हैंड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. बस तब जाके आप लोग का ये आउटपुट आता है. सेम इज द केस विद द कार. When I am driving a car, everything is interconnected, has to work together, tab mera car chalega. So is the case here. Everything here, see this, is interconnected with these lines. So yahan pe mera strategy is going to be connected with my staff.
तो मेरे स्टाफ को पता है दैट ओके द स्ट्रेटेजी इज कॉस्ट लीडरशिप, ही विल वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये हुआ पहला। दूसरा जो स्ट्रक्चर है मैकडोनल्ड्स का, मैकडोनल्ड स्ट्रक्चर इज पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम वो लोग का सिस्टम स्ट्रक्चर ये है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये है दैट इट इज अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन मतलब इन मैकडोनल्ड्स देर आर से 500 आउटलेट्स ऑफ मैकडोनल्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टारबक्स ऑल्सो। सो उन्होंने क्या किया, एक फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है, मीनिंग सपोज मैकडोनल्ड्स के जितने भी ब्रांचेस है दे हैव मेड अ ब्रांच हेड, उस ब्रांच हेड के अंदर वो लोग ने उसको फंक्शनली डिवाइड किया है दैट ओके हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। वैसे सो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इट्स अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन वेर इन एवरी मैकडोनल्ड हैज अ ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर ने फंक्शनली उसको डिवाइड कर दिया है। तो अब कोई भी नया आउटलेट खुलेगा उनको पता है कि उनको क्या स्ट्रक्चर रखना है, क्या स्ट्रक्चर रखना है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ब्रांच खुलेगा, ब्रांच हेड के अंदर फंक्शनली एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर, एक अकाउंट्स मैनेजर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ रहे हो? सो अगेन एवरीथिंग इंटरकनेक्टेड। डन, ये हो गया उनका स्ट्रक्चर। फिर बाद में आ जाता है सिस्टम्स। सो व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द वे इन विच दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग। और एक और उनका बहुत ही अच्छा है, किसका, मैकडोनल्ड्स का, दैट दे हैव अ सिस्टम ऑफ इंक्लूसिविटी। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, उसके पहले मैं आपको सिस्टम्स के बारे में बताता हूं। तो उनका सिस्टम क्या है, दैट कहां से सप्लाई लेना है, सो दे हैव देयर फिक्स्ड सप्लाई सेट ऑफ सप्लायर्स। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगा, अगर तुम लोग ने नोट किया होगा तो हर मैकडोनल्ड के बाहर वो येलो कलर का रोनाल्ड मैकडोनल्ड बैठा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे हाथ करते हुए लोग उधर आते सेल्फी खिंचवाते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम। एवरी डे वो लोग को जो यू नो फॉर एग्जाम्पल मैक वेजीज बनाना है तो वो बनाने का सिस्टम क्या है, एक बंदा उसका बर्गर ओपन करता है, एक बंदा विल मेक द पैटी, वन पर्सन विल पुट द सॉसेस। तो ऐसे उनका एक सिस्टम है, वो लोग को जब ये ऊपर कुछ मसाला डालना होता है ना, उनका एक स्टाइल है, ऐसे करके वो लोग डालते हैं, विच रिप्रेजेंट्स एम, दैट इज देयर सिस्टम। कहीं पे भी मैकडोनल्ड खुलेगा वो बहुत एकदम टॉप लेवल पे उधर एम लिखा हुआ होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम। तो अब ये एक सिस्टम सेट हो गया। अब दुनिया में कहीं भी एक नया आउटलेट खुलने दो, ये सिस्टम फॉलो होगा, क्या, सबसे ऊपर एक एम लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर बाद में उनका जो एसओपी है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका सेट है कि भाई कितना सॉसेस डालना है, कितना फ्रेंच फ्राइज डालना है, ऑल ऑफ दैट इज देयर सिस्टम। डे टू डे ऑपरेशंस कैसा वर्क होने वाला है। अब इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ऑल्सो। सो इंडिया के लिए पीपल लाइक स्पाइसी, सो इट विल बी स्पाइसी स्टफ। से यूरोप में आप जाओगे तो उनका थोड़ा ब्लैंड होता है, तो वो सिस्टम उन्होंने सेट किया हुआ है सब जगह के लिए। समझ रहे, हर शॉप के बाहर एक रोनाल्ड मैकडोनल्ड बैठा होगा। फिर उन्होंने भी एक नया सिस्टम चालू किया है, ड्राइव इन, मतलब आप ऑर्डर कर लो ऑनलाइन और ड्राइव करते हुए आपका ऑर्डर रेडी होगा, यू कैन टेक एंड यू कैन गो, एंड एक्चुअली आई हैव ट्राइड इट, इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। सो वैसा सिस्टम सेट करना पड़ता है हर एक कंपनी को। फिर बाद में आता है स्टाफ। प्लीज गिव रेगुलर ट्रेनिंग टू देयर स्टाफ, कैसे आपको कस्टमर से बात करना है, कैसे क्रॉस सेल करना है, मतलब अगर वो बर्गर लेने के लिए आए तो उसको पूछो, सर वुड यू लाइक टू हैव सम कोक और वुड यू लाइक टू हैव सम फ्रेंच फ्राइज। कोई आपसे बोल रहा है कि आई वांट मीडियम फ्रेंच फ्राइज, उसको बोलो सर जस्ट 10 रुपीज एक्स्ट्रा एंड यू कैन मेक इट लार्ज। ऑलराइट, सो सर आपने काम किया है क्या ऐसा, यस। मैं एक बात बोलूं, ये सब जगह पे छोटी छोटी जगह पे काम करने का आपको है ना बिजनेस का सब आइडियाज मिलता है। ऐसा नहीं सोचने का, अरे मैं कैसे ये काम करूं, मैं तो जोमेटो में भी काम किया हुआ है बॉस, डिलीवरी भी किया हुआ है कभी ऐसा। अब मेरा मेरे घर वाले मजाक उड़ाते थे कि BMW लेके तू जोमेटो का डिलीवरी करने को जाएगा, अरे किया, उसमें क्या हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कभी बॉम्बे में आप हो तो मैं आ जाऊँ आपके यहाँ पे एक पार्सल लेके, हेलो क्यों क्यों किया सर आप नहीं है, ऑब्वियसली कोई बहुत मेरे को उससे अर्निंग नहीं होने वाला है। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि कैसे जोमेटो वर्क कर रहा है, एंड इफ समटाइम आई वॉन्ट टू गो इन टू दिस इंडस्ट्री आई शुड नो देयर प्रोसेस। एनीवेज, सो स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। व्हेन आई वाज इन जेपी मॉर्गन देयर वाज अ वेरी वेरी गुड फोकस ऑन द स्टाफ डेवलपमेंट। उनका वर्क लाइफ बैलेंस सेट होना चाहिए, नो स्टाफ विल वर्क फॉर मोर देन 8-9 आवर्स। सो वैसे सैटरडे संडे हॉलीडेज यू नो परक्विजिट्स मिलते हैं रेगुलरली, सो वो सब उनका सिस्टम सेट होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने एक चीज रखी है मैकडोनल्ड्स ने, उन्होंने अपने स्टाफ को रखा है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब कोई भी जाति का हो
वो मैकडोनल्ड्स में काम कर सकता है, कोई भी कलर का हो। देखो मैकडोनल्ड्स है ना यूएस बेस्ड कंपनी है, तो उनमें ना कलर का ऐसा बहुत होता है कि गोरे को जॉब देते हैं, काले को जॉब नहीं देते हैं, वो सब सिस्टम उनके यहाँ पे बहुत है। तो दे हैव सेड बी इट यू आर ब्लैक और नो मैटर यू आर ब्लैक और व्हाइट, सो ब्लैक हो व्हाइट हो जो भी हो आपको सबको जॉब मिलेगा। कम्युनिटीज को रीगिव करने में बहुत फोकस करते हैं भाई, हर एक ब्रांच को जितना भी प्रॉफिट आया है प्रॉफिट का एक एक्स परसेंटेज दे हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर स्टाफ सिस्टम। देन फिर स्किल्स, स्किल्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ स्टाफ के साथ, सो रेगुलरली ट्रेन देम, ट्राई टू टीच देम न्यू थिंग्स। सो आई टोल्ड यू ऑल जेपी मॉर्गन में जब मैं था तो एवरी 6 मंथ्स में हम लोग को कुछ ना कुछ नया ट्रेनिंग मिलता था। इट कुड बी रिलेटिंग टू फाइनेंशियल मॉडलिंग, इट कुड बी रिलेटिंग टू यू नो ट्रेनिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, ब्लूमबर्ग, हम लोग का एक ब्लूमबर्ग टर्मिनल था। अब ब्लूमबर्ग टर्मिनल ऑपरेट करना तो नहीं आता है अपने को, सुना है, सो उसके लिए एक ट्रेनिंग मिला, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए ट्रेनिंग मिला। दे वर द पीपल हु टोल्ड मी दैट संकल्प यू आर इनटू हार्डकोर फाइनेंशियल थिंग, व्हाई डोंट यू ट्राई सीएफए। सो उन्होंने सीएफए का मेरा फाइनेंस किया पैसा पूरा। सो दैट्स हाउ द कंपनीज फंक्शन। एंड लास्ट इज स्टाइल, मैंने बीच में आप लोगों को बोला था कि पार्टिसिपेटिव स्टाइल है इनका। जैसे कुछ कंपनीज होती है, जैसे हिटलर है वो बोलता है मेरा ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, मैं जो बोलूंगा वो ही होगा, वैसे ही मैकडोनल्ड्स का पार्टिसिपेटिव स्टाइल है, दे डिस्कस एंड देन अ डिसीजन इज टेकन। जब ये सातों चीजें और बीच में है इनका शेयर्ड वैल्यू, सॉरी शेयर्ड वैल्यूज रिप्रेजेंट्स, यस दिस शेयर्ड वैल्यूज रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल वैल्यूज ऑफ द कंपनी। लाइक जेपी मॉर्गन हैड अ हार्ड कोर फोकस ऑन शेयर्ड वैल्यूज लाइक कोड ऑफ एथिक्स। कोई भी काम आपको करना है तो आपको एथिकली करना है, इंटीग्रिटी के साथ करना है, मतलब कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, एंड एवरी टाइम क्लाइंट और द कस्टमर शुड बी गिवन प्रायोरिटी। तो ये हमारे कंपनी का एक शेयर्ड वैल्यू था। वैसे अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना एक शेयर्ड वैल्यू हो सकता है, एंड दैट्स हाउ यू विल प्रोसीड। सो दैट जब मैं कोई नई कंपनी अक्वायर करता हूँ तो ये नई कंपनी को मेरे ये 7 चीजें मैं शेयर कर दूंगा, एंड द न्यू कंपनी विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग इन दैट मैनर। समझ में आ गया आप लोगों को एवरीबॉडी, दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज 7S। तो लॉजिकली समझ में आ गया, उसको डिवाइड कर दिया है हार्ड एस और सॉफ्ट एस में, वो समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए क्विकली एक रीडिंग कर लेता हूँ, राइट। नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, आई थिंक एक दो नोट्स डालने बाकी है, बट गिव मी 1 डेज टाइम, तब तक ये भी अपलोड हो जाएगा। डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स कैसा लग रहा है और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। बाकी आप लोगों को पता ही होगा AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ा था, उसमें भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाला चीज का जरूरत होगा, लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो मैकेंजी 7S इज अ कंसल्टिंग फ्रेमवर्क दैट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, न्यू स्ट्रेटेजी, कोई वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशन में, टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ध्यान रखना एंड इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। अपने 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जहां पे मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, इट इज अ बिग बिग थिंग। सो दैट इज वेयर 7S मैकेंजी इज सो इंपॉर्टेंट। आ जाओ, देयर इज नो हायरार्की, एंड ये आ सकता है आपके MCQ में, ऑल एरियाज आर ऑफ सेम साइज। इन अदर वर्ड 7S मॉडल, ऑल एरियाज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये देख रहे हो भाई लोग, ये देख रहे हो, All areas are equally important. Skills, style, staff, strategy, structure, system, and shared values. सब चीज equally important है, ठीक है? Done. So, yeah, describes the link between organization's behavior and behavior of individuals within the organization. The 7S framework is divided into 2 parts, hard S and soft S. The hard S consists of strategy, structure, and system, जो मैं आपको बता चुका हूँ. They are quantified and are easily quantified and defined. And बाकी के है style, staff, skills, shared values, difficult to describe, difficult for management to make change in them. तो ये भी आ सकता है आपको MCQ के लिए। I hope ये अभी तीनों और चारों याद हो गए होंगे आप लोगों को properly. ठीक है, strategies of 7S, ये in general जो भी मैंने आप लोगों को सब समझाया, that y'all can definitely go through. So That's how the whole system is worked out. फिर मैंने आप लोग को बोला था कि एक एग्जाम्पल है रिलेटेड टू, यस, सो सिस्टम्स, वॉट इज सिस्टम्स, प्रोसेस एंड डेली एक्टिविटीज। मैकडोनल्ड्स का मैंने तुम लोग को बताया, एम मैकडोनल्ड में उधर बैठा हुआ है, एवरी डे कौन वो बर्गर ओपन करेगा, हु विल पुट इन द सॉसेज, एवरीथिंग इज
अ पार्ट ऑफ देयर सिस्टम. स्टाइल, इनफॉर्मल रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेटिव स्टाइल जैसे मैंने बोला उनका है. स्टाफ, इंटेलेक्ट कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्स, गेटिंग इनसाइट्स, कोर कॉम्पिटेंसी, क्या स्किल गैप है उसके ऊपर ट्रेनिंग देना है. शेयर्ड वैल्यूज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का. सिंबल, तो कहीं भी अपन लोग ये एम देखेंगे अपने को समझ जाएगा ये तो मैकडॉनल्ड है, राइट. सो मैकडॉनल्ड्स ने ये स्ट्रेटजी जो मैं अभी आप लोगों को समझाया, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाफ, ये सारी चीजों के ऊपर एक 7S मैकेंजी सिस्टम डेवलप किया है. अच्छा, और एक चीज जो आ सकती है एग्जाम में, जो ये लोग ने इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यूज में भी रखा है, वो है दिस इज योर 7S, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यू. ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल नीड्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्ट्रेटजी, व्हाट विल द कंपनी डू, तो वो लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे एज पर 7S मैकेंजीज, व्हाट विल द कंपनी डू इज अंडर विथ 7S, फिर चार देंगे, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, आपको पता होना चाहिए दैट इट इज स्ट्रेटजी. सो स्ट्रेटजी, व्हाट विल द कंपनी डू, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स. फिर बाद में सेकेंड है स्ट्रक्चर, हाउ शुड इट बी ऑर्गेनाइज. सिस्टम्स, व्हाट प्रोसीजर्स नीड टू बी इन प्लेस. स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, पार्टिसिपेटिव, ऑटोक्रेटिक, व्हाटएवर. स्टाफ कैसा चाहिए, क्या स्किल्स देना है उनको, एंड अपने सिस्टम का शेयर्ड वैल्यूज या कल्चर कैसा होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन का, दैट ऑल इज व्हाट डिफाइन्स योर 7S मैकेंजीज मॉडल. गॉट इट एवरीबॉडी. चलो, सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया. अब आप कोई भी एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन 7S मैकेंजीज के ऊपर आता है, यू कैन इजीली मैनेज इट. मेरा मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल याद रखना, और जो भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई ध्यान में रखना, अंडर लर्न दिस एंड यू विल बी एबल टू क्रैक. चलो, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस. कैसा लगा सेशन? As I told you, do like it, share it with somebody who would want this as a part of their learning. Or kya chahiye? Kaun sa topic chahiye? Batao. Hum aa jayenge. Tab tak muskurate rahiye. Keep smiling. Thank you so much. Take care. Bye-bye.